हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नोवेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हम लोग यूपी असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे थे। तो उसमें हम लोग प्रीवियस पेपर ले रहे थे। उसमें हमने क्या किया था, पहले यूपी टेट के प्रीवियस पेपर लिए थे और वो भी अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। सोशल स्टडीज़ के आपके कंटिन्यू आ रहे हैं। हमने साइंस मैथ्स ईवीएस पोर्शन लिया था, जिसमें कि आपकी उसकी मास्टर वीडियो भी आ चुकी है, ईवीएस के भी और मैथ्स के भी और साइंस के भी। आप लोग एक साथ यूपी टेट के सारे आज तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हर ईयर, वो आप इकट्ठा देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसका कंपाइलेशन कर दिया गया है। अब हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, आज जो आपको किया दिया जा रहा है वो है सीटेट। सीटेट का ईवीएस के प्रीवियस पेपर काफ़ी आ चुके हैं, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो करंट में अभी घटना चक्र आई है आपकी टो, उसका आपको उसका जो दो पोर्शन में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, एक कंपलसरी पोर्शन और एक हमारा सिलेक्टेड पोर्शन जो भी हमारा टॉपिक है। तो जो जीके है वो आपको उसकी प्रिपरेशन घटना चक्र के थ्रू भी कराई जा रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ में हमारे एनसीईआरटीज़ के भी जो वीडियोज़ हैं वो भी साथ साथ में अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ देखते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो अचानक से आएगी, ठीक है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने पेपर की तरफ। आज हम लोग सीटेट का 2015 फरवरी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं ईवीएस का। एक बात याद रखिएगा कि ये जो यूपी असिस्टेंट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये साथ में सीटेट के प्रीवियस पेपर सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसे तब भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन वन, दिस प्लांट हैज़ लीव्स। एक प्लांट है जिसमें लीव्स हैं, विच आर यूज एज वेजिटेबल, जिसको एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। इट्स सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑयल, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं उनको वो ऑयल की तरह, उसको ऑयल के लिए भी, मतलब उससे ऑयल्स निकलता है, ठीक है, तो ऑयल के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का कौन सा प्लांट है जिसमें दो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, एक तो हमारा जो लीव्स हो गई वो यूज़ की जा रही है एज ए वेजिटेबल, और जो उसके सीड्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं एज ए ऑयल, ठीक है, उससे ऑयल को निकाला जाता है। तो इस तरह का कौन सा प्लांट है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कोकोनट, ठीक है, फिर सेकेंड हमें दिया गया है कैबेज, ठीक है, फर्स्ट कोकोनट फिर कैबेज। तो कोकोनट की लीव्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है, अब एज ए वेजिटेबल, तो ये यहाँ से हट रिमूव हो जाएगा। फिर कैबेज की बात करें तो कैबेज के लीव हम लेते हैं, लेकिन इसके सीड्स को मतलब उसका यूज़ नहीं करते उससे, या कह सकते हैं कि उससे प्रोड्यूस नहीं होता ऑयल। फिर थर्ड है मस्टर्ड। मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड ऐसा प्लांट है जिसकी वेजिटेबल्स, जिसके जो लीव होते हैं वो एज ए वेजिटेबल यूज़ किए जाते हैं, साथ में जिसके सीड्स जो होते हैं उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, ऑयल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरसों का तेल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है अपना, ऑप्शन थर्ड। स्पाइनेज को भी देख लेते हैं, पालक, पालक एज ए वेजिटेबल तो यूज़ की जाती है, लेकिन इसका सीड को ऑयल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए हमें ऑप्शन अपना मिल जाता है थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन वन का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन थर्ड, मस्टर्ड, सरसों का पौधा। अब बात करते हैं क्वेश्चन टू की, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट ऑफ डिसीज़ कॉज्ड स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। तो ये आपका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें सीधे आंसर आपका आ भी चुका है, तो देख लीजिए। ये आपका राइट ऑप्शन होता है चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया, ठीक है। ये तीनों ऐसे आपकी डिसीज़ हैं जिनसे क्या होता है, जो मॉस्किटो के थ्रू फैलती है, चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू हो और चाहे मलेरिया हो, ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो कॉलरा, डेंगू एंड मलेरिया में ये दोनों तो मॉस्किटोज के थ्रू होते हैं, लेकिन कॉलरा विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, इसलिए ये रिमूव हो जाएगा। चिकनगुनिया, कॉलरा, इसमें भी देखिए कॉलरा आ गया तो ये भी रिमूव हो जाएगा। और टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी, तो ये भी रिमूव हो गया। उसके बाद बात करें थर्ड है हमें, फिर इसमें भी टाइफॉइड डाल दिया गया तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो अगर रिमूवल पैटर्न से देखें तो भी हमारे ये तीन ऑप्शन यहाँ से रिमूव होते हैं और राइट ऑप्शन हमें मिल जाता है सेकेंड, चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया। ऑन अ स्टेट मैप, अगर हम स्टेट मैप की बात करें, एज इट्स वन कॉर्नर इट इज़ मैंशनड स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर्स, ठीक है, स्केल में मैंशन है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या इन्होंने मान लिया है 110 मीटर्स। इफ़ ऑन द मैप द मेजर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सिटीज़, अगर
मैप में कोई भी दो सिटीज़ की डिस्टेंस 9.7 मेंशन की जाती है, तो एक्चुअल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी? तो कुछ भी नहीं हमें करना है, सीधा हमें क्या करना है, 9.7 सेंटीमीटर को 110 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस यहाँ पे यूनिट्स का खेल है। आपको जैसे ही आप इसको 1.10 सेंटीमीटर, ये आपका सीएम में था और ये 110 आपका मीटर्स में है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका सीधा आ जाएगा 1067 मीटर मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर दिया है वो हमें दिया है केएम में, तो सिर्फ हमें ये कर देना है कि इसमें 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि किलोमीटर और मीटर में जो रिलेशन होता है वो 1000 का होता है, इसलिए सीधा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा आपका, तो ये चेंज हो जाएगा केएम में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमारा है लास्ट, फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन फोर, 1.067 KM। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज आपकी क्या है, ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है। ठीक है, कई जो मेटल्स होते हैं उनसे मिलके हमारा क्या बनता है, ब्रॉन्ज। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ब्रॉन्ज एज होती है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दे रहे हैं स्टेटमेंट्स। इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है कोई एलिमेंट नहीं, वो एलॉय है। ठीक है, फिर सेकेंड देखते हैं, इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन। बिल्कुल, जो ब्रॉन्ज हमारा बनता है वो किससे बनता है, कॉपर से, यानी कि CU से और टिन से, इन दोनों को आपस में मेल्ट करके इसको बनाया जाता है, जिसको कहते हैं हम ब्रॉन्ज। ठीक है, कॉपर एंड टिन। फिर ये हमारे ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। बिल्कुल, ट्राइबल पीपल भी यूज़ करते आ रहे हैं बहुत ही थाउजेंड ईयर्स, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है स्टेटमेंट। फिर देखते हैं, द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर बट स्ट्रॉन्गर देन दोज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से रिमूव होता है, यानी कि अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो हमारा बी और सी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन में अगर देखें तो हमें फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ओनली बी एंड सी। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर का राइट ऑप्शन हुआ ओनली बी एंड सी। चलते हैं अपने क्वेश्चन फाइव की तरफ। इफ़ वी ऑब्जर्व बर्ड्स, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बर्ड्स को, वी फाइंड द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑफन मूव देयर नेक। तो हम देखते हैं कि जो चिड़ियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो हर टाइम अपना जो हेड होता है उसको मूव करती रहती हैं। ठीक है, इधर से उधर उनका रुकता नहीं है, पानी भी पी रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो वो मूव करती रहती हैं, तो ये क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है देयर एयर्स आर कवर्ड एंड दे कैन फ्लाई। तो ऐसा ही इस रीज़न से तो नहीं है कि ये इसलिए मूव करती हैं, बल्कि बहुत एक्टिव होती हैं, उनके एयर जो होते हैं कवर्ड होते हैं, वो फ्लाई भी कर सकती हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। द बर्ड्स हैव टू आइज। हाँ, बर्ड्स के पास टू आइज़ हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव होगा, ये रीज़न नहीं है। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो ये भी यहाँ पर नहीं है। फिर बात हो रही है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आइज़ आर फिक्स्ड। बिल्कुल, आइज़ फिक्स्ड होती हैं एंड कैन नॉट मूव, मूव नहीं होती। बिल्कुल सही बात, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मूव ना होने की वजह से उनको अपना हेड को घुमाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे हम लोग अपनी आइज़ को मूव कर सकते हैं तो हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो लोग अपना और इसको मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होती हैं, इसलिए उनको अपने हेड को बार बार हिलाना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन फाइव का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन फोर, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। क्वेश्चन सिक्स की तरफ चलते हैं। रीना लव्स मैंगोज। रीना को आम बहुत पसंद है और शी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दीज फॉर विंटर्स। वो इनको जाड़ों के लिए, क्योंकि आम जो हमारा आता है वो गर्मी में आता है। ठीक है, ये जो सीज़न चल रहा है अब आम आने वाला है हम लोगों का, लेकिन अगर हमें विंटर्स के लिए उसे प्रिजर्व करना है तो हम कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इनमें से, ऑप्शन में से, जो वो सही रहे, आम हमारा प्रिजर्व प्रॉपरली हो। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर। तो बिल्कुल भी नहीं, ये जो जूस है आपका 3 दिन से ज़्यादा भी नहीं चलेगा और ये बेकार हो जाएगा, भले ही हम इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख दें। ठीक है, फिर बात करते हैं पुट इन अ प्लास्टिक बैग। अगर हम प्लास्टिक बैग में भी रख देंगे तो भी वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, तो वो भी एक टाइम तक चलेगा, उसके बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें जब लॉन्ग टाइम के लिए उसका प्रिजर्व करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, उसे आम पापड़ बना लेंगे और उसका अचार बना लेंगे। मैंगो को कट करके उसको धूप में सुखा लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, आम पापड़ और अचार तैयार हो जाएगा, पिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन सिक्स का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स
फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, कौन से ऐसे एनिमल है जिनके जो फ्रंट टीथ होते हैं तो वो हमेशा ग्रो ही करते रहते हैं, ठीक है, जो फ्रंट आगे के टीथ होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स, ठीक है। तो इट हैज़ टू कीपिंग ग्रोइंग एंड ऑन थिंग्स टू कीप्स इट्स टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, ठीक है। तो वो कट इसलिए करते रहते हैं ताकि जो उनके इंसीजर्स हैं आगे के जो टीथ हैं ये बहुत ही लंबे ग्रोथ कर जाएं, अगर वो ऐसे कट ना करें अपने टीथ्स को तो वो क्या होते जाएंगे, लंबे होते चले जाएंगे, इसलिए उनके कुतरने की आदत होती है, इसको ग्रोइंग की आदत होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं स्क्वायरल, लिजर्ड, रैट एंड टर्माइट। तो देखिए ये दो ऑप्शन आपके राइट होते हैं यहाँ पे, स्क्वायरल एंड रैट, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है, ये हर टाइम हर चीज़ें वो कुतरती रहती है, और रैट की भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आपके जो सी टेट ने राइट आंसर लिया है वो लिया है स्क्वायरल, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन वन को प्रेफर करेंगे, स्क्वायरल। और टीथ से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में, एनसीईआरटी नॉवल के हमारे जो चैनल है उस सीरीज़ में जाके क्लास सेवन का चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर टू पार्ट वन, जिसमें बताया गया है कि किस टाइप्स के टीथ होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या नंबर होते हैं, हमारी एज मतलब एक एज पे कितने टीथ हमारे ग्रो करते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी, तो वो पूरी डिटेल आपकी बताई गई है, ठीक है, चैप्टर टू, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आप देख सकते हैं उसमें टीथ का काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिला है, इंसीजर, कैनाइन, सबके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन सेवन हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन एट की तरफ। अ फार्मर इज़ ग्रोइंग पैडी। देखिए अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन उठा उठा के दिए जा रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ली जाती है और प्रीवियस ईयर पेपर। अ फार्मर इज़ ग्रोइंग पैडी क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन। एक फार्मर है वो बार बार पैडी क्रॉप को ग्रो करवा रहा है अपनी फील्ड में, और क्या यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को फील्ड में यूज़ करता है। दिस प्रैक्टिस विल मेक सॉइल ऑफ इस फील्ड, ठीक है, इसकी इस प्रैक्टिस से फील्ड पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, कैसी सॉइल हो जाएगी आपकी, फिट फॉर प्लॉइंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर हमें बैरन, इसको देख लेते हैं अभी, फर्टाइल फॉर अदर क्रॉप्स ऑल्सो, बिल्कुल भी नहीं, यूजफुल फॉर पैडी क्रॉप्स ओनली, तो ये भी नहीं। जब हम बार 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 एक ही फसल को ग्रो करवा रहे हैं, जैसे कि पैडी को लिए ले रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी भी सॉइल अच्छी नहीं रहेगी और वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, ठीक है, मतलब बेकार हो जाएगी किसी भी क्रॉप के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एट का राइट ऑप्शन हुआ सेकेंड, बैरन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेबरिंग कंट्रीज स्टेट्स आपके बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछा है स्टेट ऑफ केरला की नेबरिंग कौन है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा केरला ऐसे पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। तो केरला के पास इधर आपका क्या हो जाता है, दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगा तमिलनाडु, यहाँ पे मिलेगा टी, यहाँ पे आपको याद करवाया गया था के टी, ठीक है, यानी कि के फॉर केरला एंड के फॉर आपका टी फॉर तमिलनाडु। उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, के ए, के ए का मतलब कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो केरल है उसके नेबरिंग टू कंट्रीज़, तो एक तो हमें मिल गया कर्नाटका और दूसरा हमें मिल गया तमिलनाडु, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन हमें थर्ड यहाँ पे राइट मिलता है, ठीक है। तो नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला आर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन टेन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री Do most people like to eat sea fish cooked in coconut oil? ठीक है, तो जो फिश खाई जाती है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑयल के साथ खाई जाती है, जैसे कश्मीर में सरसों के तेल के साथ खाई जाती है, मस्टर्ड ऑयल के साथ खाई जाती है, यहाँ पे बात करें कि कोकोनट ऑयल के साथ ली जा रही है तो वो कौन सा स्टेट होगा, ठीक है। तो आपका ये तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो आपका राइट ऑप्शन है गोवा, गोवा में कोकोनट ऑयल के साथ सी फिश को खाया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है, पका के उसे खाया जाता है। तो क्वेश्चन टेन का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन वन, गोवा। क्वेश्चन इलेवन की बात करें, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं। डेजर्ट ओक की बात की जा रही है, डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट ग्रो ऑलमोस्ट टॉल एज आर क्लासरूम दैट इज़ अबाउट 4 meters, ठीक है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओक जो होता है बहुत ही लंबा होता है, वो हमारे क्लासरूम से भी ऊँचा होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द रूट्स ऑफ ट्री ग्रो डाउन नियरली 30 times एट हाइट टिल दे रीच वाटर,
बिल्कुल, जो डेजर्ट्स में प्लांट होते हैं हमेशा उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, तो ये बता रहे हैं कि 30 टाइम्स उसकी हाइट का 30 टाइम्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और वो वाटर के सर्चिंग के लिए नीचे बढ़ती चली जाती हैं। फिर थर्ड है, वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। बिल्कुल, जो उनका ट्रंक होता है इस पेड़ का, वो वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रंक में उसको रख लेती हैं ताकि वो उनको ले सकें। फिर बात करें, द ट्री इज़ फाउंड इन अबू धाबी, तो बिल्कुल भी नहीं, अबू धाबी में वो बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। डेजर्ट ओक कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे ऊपर के 3 स्टेटमेंट सही हैं और वो हमें ऑप्शन थर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन थर्ड, ए बी एंड सी। क्वेश्चन 12, अ पर्सन बोर्डेड अ ट्रेन 2/1/2015 एट मडगांव फॉर नगर कोयल। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम मडगांव एट 7:45 आवर्स एंड रीच्ड 4:45 आवर्स, ठीक है। नोट कीजिएगा ये 4:45 आवर्स ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि अगर हम बात करें तो 7:45 से 7:45 अगर ले लें तो हमें 12 आवर्स तो सीधे मिल गए, ठीक है, क्योंकि अगले दिन पहुंच रहा है 4:45 पे, तो हमें यहाँ पे कितने 12 घंटे यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो 7:45 से 45 कितना टाइम हमारा यहाँ पे आएगा, 7:45 से फिर 4:45, तो अगर हम काउंट करें तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है, 9 के बाद 10, 11, 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर से एक बार काउंट कीजिए, 7:45 तक हमने 12 आर ले लिए आपके, फिर 7:45 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 की जगह 1, 2, 3, 4, 9 आवर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये रहे हमारे 9 आवर्स, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है, यहाँ पे 9 है इसलिए 21। तो हमें यहाँ पे टाइम, हमें घंटे पता चल गए कितने हैं, 21, और इसकी जो इस डिस्टेंस है वो कितनी है, 1140 सामने दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये हो गया 1140 डिवाइडेड बाई 21, तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे हमें अपना आंसर मिल जाएगा जो कि क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13 देखते हैं, अ पर्सन लिविंग इन न्यू दिल्ली वॉन्ट्स टू विजिट टू, कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे आपका दिल्ली यहाँ पे में है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ जाना चाहता है, मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल, और फिर रांची झारखंड जाना चाहता है। तो दिल्ली के नीचे आपका मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जब वो रांची जाना चाहता है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि झारखंड इधर है, ठीक है। तो देखा जाए तो पहले तो साउथ जाएगा वो, और साउथ के बाद किधर जाएगा, ईस्ट जाएगा। तो हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ईजी है, साउथ एंड देन टूवर्ड्स ईस्ट। आपको पता है मध्य प्रदेश कहाँ है, सेंटर में है, ठीक है। आपकी ये दिल्ली अगर हम मैप देखें, ठीक है, तो आपके ऐसे करके है, तो आपके यहाँ पे अगर दिल्ली है तो ये बीच में मध्य प्रदेश आएगा और इधर झारखंड, ठीक है। तो आपका मिल जाता है साउथ एंड देन टूवर्ड्स ईस्ट ऑप्शन, ईजी है बहुत क्वेश्चन, थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज है तो ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपकी इस यूपी असिस्टेंट में हम लोग पेडागॉजी नहीं ले रहे हैं, पेडागॉजी को अलग रखेंगे, क्योंकि ये यूपी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पेडागॉजी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो सी टेट वाले भी इसे सेपरेटली देख सकते हैं कि पेडागॉजी आपको अलग मिल जाएगी और आपको मेन सब्जेक्ट जो है ईवीएस का वो अलग मिल जाएगा, तो इस तरह आप बोर भी नहीं होंगे एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें पढ़ने से, सेपरेट पढ़ के आप उसको अलग अलग अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हम इसके ले रहे हैं क्वेश्चन 14, तो इसीलिए आपको कभी क्वेश्चन 14, कभी 15 और कभी 16 मिलेंगे, क्योंकि हाफ पोर्शन में क्या है, पेडागॉजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाई ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो, इनमें से जितने भी एनिमल्स दिए गए ये एक ऐसी प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं जो इन ऑप्शन में हमें दी गई है। फर्स्ट लिजर्ड, स्पैरो, टर्टल एंड स्नेक, तो क्या ये सारे पॉइजनस हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सारे पॉइजनस नहीं, स्पैरो पॉइजनस कहाँ होता है। दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल इन वाटर, तो सारे हमारे वाटर और लैंड ऐसा नहीं है कि दोनों जगह रहते हों। हमारी बर्ड कहाँ रह सकती है? देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल, तो सबकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते, तो ये भी रिमूव हो जाता है। फिर लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया, दे ले एग, ये सारे एग देते हैं, तो लिजर्ड भी एग देते हैं, स्पैरो भी एग देते हैं, टर्टल भी एग देते हैं, और स्नेक भी एग देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें राइट ऑप्शन अपना मिल जाता है ऑप्शन 14, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन है 4, दे ले एग्स। यहीं पे आपकी ये जो वीडियो है ये ख़त्म होती है, और आप कमेंट करिए, आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो बताइए,
और अगर आपको पेडागॉजी चाहिए सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि आपको दिया जाए। आपके मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप हमें कमेंट करते रहें और बताते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।